ये जो विधानसभा उपाध्यक्ष ने एक मासूम बच्चे की गाल के ऊपर जो थप्पड़ मारा है, ये आने वाले चुनाव में हिमाचल की जनता इनके मुंह के ऊपर ऐसा थप्पड़ मारेगी दोबारा उठ नहीं सकेंगी। ये जैसे जैसे चुनाव का समय नज़दीक आ रहा है, इनकी ज़मीन खिसकती नज़र आ रही है इनको। इनको ये आभास हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाले समय में बनने वाले नहीं है, और ये बौखलाहट का नतीजा है। ये श्रीमान वही विधानसभा अध्यक्ष हैं जिन्होंने कुछ दिनों पहले एक महिला को रात को 12 बजे काम के लिए अपने घर पे बुलाया था। ये इतनी घटिया क्लास आज इनका बर्ताव, और ये जो सरकार माननीय जयराम जी जो हेलीकॉप्टर में उड़ के नीचे इनके जो नेता कर रहे हैं इनको नज़र नहीं आ रहा, और ये जो सरकार का जो कार्यकाल 6 महीने का रह गया, मुझे लगता है कि इसमें इन्होंने जो इंतहा करनी थी वो इंतहा कर दी है। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि हिमाचल की जनता जो है इसका करारा जवाब देगी, और ये मासूम के गाल के ऊपर थप्पड़ का जो है पूरा हिसाब हिमाचल की जनता लेगी। इतने बड़े बड़े घोटाले इस सरकार के अंदर निकलने जा रहे हैं, और जितने कांड इस सरकार के अंदर हो रहे हैं, और ये सारी जनता हिमाचल की जनता देख रही है, हिमाचल की जनता साक्षर है और ये सब इन चीज़ों को समझ रही हैं। ये बौखलाहट नहीं तो और क्या है। मुझे लगता है कि ये अपनी मानसिक स्थिति खो बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, और इनको अपना इलाज कराना चाहिए। ये मासूमों को थप्पड़ मारने से ये बचने वाले नहीं है, ये अपने झल्लाट मासूमों के ऊपर निकाल रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा इन्होंने बर्ताव किया जो कि एक सभ्य समाज के अंदर और एक इस पद पर बैठे व्यक्ति को शोभा भी नहीं देता। और मैंने जैसे आपको पहले भी कहा कि इस थप्पड़ का जवाब हिमाचल की जनता देगी, और इनके गाल के ऊपर ऐसा तमाचा आने वाले चुनाव में पड़ेगा, ये दोबारा हिमाचल में उठ नहीं सकेंगे। ये जो विधानसभा उपाध्यक्ष ने एक मासूम बच्चे की गाल के ऊपर जो थप्पड़ मारा है, ये आने वाले चुनाव में हिमाचल की जनता इनके मुंह के ऊपर ऐसा थप्पड़ मारेगी दोबारा उठ नहीं सकेंगे। ये जैसे जैसे चुनाव का समय नज़दीक आ रहा है, इनकी ज़मीन खिसकती नज़र आ रही है इनको। इनको ये आभास हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाले समय में बनने वाले नहीं है, और ये बौखलाहट का नतीजा है। ये श्रीमान वही विधानसभा अध्यक्ष हैं जिन्होंने कुछ दिनों पहले एक महिला को रात को 12 बजे काम के लिए अपने घर पे बुलाया था। ये इतनी घटिया क्लास आज इनका बर्ताव, और ये जो सरकार माननीय जयराम जी जो हेलीकॉप्टर में उड़ के नीचे इनके जो नेता कर रहे हैं इनको नज़र नहीं आ रहा, और ये जो सरकार का जो कार्यकाल 6 महीने का रह गया, मुझे लगता है कि इसमें इन्होंने जो इंतहा करनी थी वो इंतहा कर दी है। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि हिमाचल की जनता जो है इसका करारा जवाब देगी, और ये मासूम के गाल के ऊपर थप्पड़ का जो है पूरा हिसाब हिमाचल की जनता लेगी। इतने बड़े बड़े घोटाले इस सरकार के अंदर निकलने जा रहे हैं, और जितने कांड इस सरकार के अंदर हो रहे हैं, और ये सारी जनता हिमाचल की जनता देख रही है, हिमाचल की जनता साक्षर है और ये सब इन चीज़ों को समझ रही है। ये बौखलाहट नहीं तो और क्या है। मुझे लगता है कि ये अपनी मानसिक स्थिति खो बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, और इनको अपना इलाज कराना चाहिए। ये मासूमों को थप्पड़ मारने से ये बचने वाले नहीं हैं, ये अपने झल्लाट मासूमों के ऊपर निकाल रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा इन्होंने बर्ताव किया जो कि एक सभ्य समाज के अंदर और एक इस पद पर बैठे व्यक्ति को शोभा भी नहीं देता। और मैंने जैसे आपको पहले भी कहा कि इस थप्पड़ का जवाब हिमाचल की जनता देगी, और इनके गाल के ऊपर ऐसा तमाचा आने वाले चुनाव में पड़ेगा, ये दोबारा हिमाचल में उठ नहीं सकेंगे। आपके विधायक ने पिछले 4 साल में क्या कुछ किया, क्या मुकम्मल हुआ और किसे किया दरकिनार, जनता से कितना रहा सरोकार और क्या रही विकास की रफ्तार। लाइव टाइम्स टीवी दिखा रहा है हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड। खास वीडियो सीरीज में देखिए आपके विधानसभा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार, साथ ही इलाके के निष्पक्ष लोगों की निष्पक्ष राय भी। हर हफ्ते केवल लाइव टाइम्स टीवी पर। आप भी अपने विधायक के कार्यकाल पर टिप्पणी करना चाहे तो हमें भेजे अपना वीडियो 82198-00003 या 82198-00004।